हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अल्काइंस व्लॉग एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो गाइस, अभी बज रहे हैं 4 और अभी हम जाएंगे, नहाएंगे और रेडी होंगे क्योंकि हमें निकलना है, ट्रेन है हमारी। मासी तो उठ गई है, सुबह सुबह 3 बजे उठ गई थी। ये देखो, पूजा कर रही है ये तो सोई हुई है, देखो अपना फ़ोन बगल में लेके, रेनबो वाले फ़ोन। मैं यहाँ सोई थी। सो गाइज, फाइनली मैं नहाकर आ गई हूँ यार। इतना सुबह सुबह ऐसे रील्स बनाने के लिए उठती थी, लेकिन चलो कोई ना, फटाफट रेडी हो जाते हैं बिकॉज हमारा 6:05 का ट्रेन भी है, निकालना है मुझे। ट्रेन में मैं पहनने वाली हूँ ट्रैक पैंट और साथ ही में ये ग्रीन कलर की टॉप जिसमें लिखा है एक्सेप्ट नथिंग। सही बात है यार, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। मौन जो लिखा छे नहीं, मैं अलका ही हूँ यार, मौनजोलिकर नहीं। वैसे तो बाल खुलना ही काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने बोला ना, शैम्पू के बाद बाल निखर आते हैं, लेकिन चोटी कर लेती बिकॉज लोकल ट्रेन पे जाना है, फिर गर्मी वर्मी भी हो जाएगी क्या। इससे अच्छा एक पोनी कर लेती हूँ, वही सही रहेगा। सो गाइज, अभी ये भी हो गई है रेडी। नींद सुट गए हैं नींद सुट गए देखिए वो भी हो गई रेडी जाने के लिए। मासी तो हो गई थी 3 बजे उठ के, और मासी ने बनाया मस्त ढोकला, ये देखो भर भर के 3 बजे उठ के, यार मानना पड़ेगा। बाकी धनिया पत्ती वगैरह इसमें डालेगा, चॉप वॉप डालेंगे इसमें, तो ये ढोकला काफ़ी मस्त लग रहा है, पूरा रेडी है बाजार स्टाइल में। ये देखो, वाह 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 वाह। भाई सुबह उठते ना, मुझे ढोकला को देख के भूख लग गई यार, अभी मैं वही ढोकला खा रही हूँ। भाई ये तो नींद में ही आधा से ज़्यादा, भैया कोई ना। तो ढोकला बहुत टेस्टी बना है, तो मासी को बोल दिया जाए यार, चटनी भी बन गई है ढोकला के लिए। लेट्स गो। सो गाइस, अब हम जाने के लिए पूरा रेडी है। और आज ऐसा लग रहा है हम लोगों ने ट्विनिंग किया यार, मैंने मेहंदी कलर पहना है, इसने नॉर्मल ग्रीन जैसा पहना है। सो हम लोग जा रहे हैं लिफ्ट में मस्त एकदम, फैन भी चल रहा है ये देखो, मिस्टर मैफ शाकाबू करो। सुबह का वेदर काफ़ी अच्छा लगता है यार, एकदम सब कुछ ठंडा ठंडा रहता है। और ये डॉग बैठे, सारे डॉग्स हैं ना यहाँ पे, अड्डा जमा रहे। अरे अरे क्या कर रहा है। एंड नाउ वी आर गोइंग फाइनली, ये बंदी मस्त सामान लेके चल रही है। और मेरी बहन को देखो, ये देखो गाइस, यहाँ एक तो घर के बाहर है ना, ऐसे एक तो कांच दिया हुआ है मस्त। वाह वाह वाह, सही है। मैंने भी बहुत भारी सामान पकड़ा, ये देखो है ना कितना भारी यार। तो गाइस, मासी और बहन जा रहे हैं टोटो से, और बाकी भाभी ये भी हमारे साथ जा रही है। गाइस भैया मेरा हाथ पकड़ के जा रहे हैं क्योंकि उनको डर लगता है कि मैं खो ना जाऊँ, वॉक करके जा रहे हैं स्टेशन तक। स्टेशन का नाम लिया और स्टेशन आ भी गई, हम लोग आ गए हैं रिश्ता स्टेशन। ये देखो गोदी ली थी इसको, तीन नंबर पे है सारा सामान। अब हम आ गए स्टेशन पे, ये दूसरी ट्रेन है इसमें तो हमें नहीं जाना, ट्रेन पे लेके जाना, लेके चल लेके चल इसको। ए ये क्या था, ये क्या था। तो इनका प्यारा बेटा इनको छोड़ने आई है, मेरी मामी जी है, छोटी बच्ची। हंस लीजिए मामी जी, आपको हंसी तो आ रहा है, हंस लीजिए हंस लीजिए। अरे कोई बात नहीं मामी जी, हटा ग्रुप में से तो। मेरे को किसी ने ग्रुप में ऐड नहीं किया, ये तीनों ने किसी ने, अब किया है बोलने के बाद। सब झूठे, सब सब ऐसे करते हैं मेरे साथ। ध्रुव को ऐड, अभी हम रोएंगे, रोएंगे अभी हम भाभी के गोदी में। देखो ये तो अलग ही धुन में, इसने भी अपना ही बैग कैरी किया मेरी तरह। ये देखो गाइस हमारी ट्रेन आ गई है, बाय। ये तो जा नहीं रहा है, आ जाना। ट्रेन पूरा खाली है देखो, ₹30 का बैग आ गया देखो। सो गाइस ये बच्ची देखो क्या कर रही है, कुछ तो कर रही है। और इसका मेकअप देखो, दो चोटी करके रखी है। सो गाइस ये बड़ी क्यूट है, इसने अच्छा मेकअप किया है यार, हमारा मेकअप अच्छा लग रहा है, हंसी आ रही है इसे। और इनका इसका भाई है क्या, तुम्हारा ये भाई है क्या, इसका भाई देखो। मेरा फेवरेट झालमुड़ी आ गया, थैंक यू।
कौन डाटा बाबू? ये डाटी बाबू मेरे को भी डांट दिया। हब कर दो बाबू, हब कर दो बाबू, हब करो। ये भैया के पास बहुत अच्छा गेम है ये देखो। वाओ 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 वाओ। भैया बना रहे घूमने एकदम मस्त। इनका घूमनी हमें घूमने का में गौरव घूमने अच्छा है, अच्छा है। बाबू देखो, बाबू देखो, बाबू देखो, कुछ कुछ दंडनीय अपराध है। तो गाइस हमारा ट्रेन अब जा रहा है। गाइस अभी हम लोग उतर चुके हैं विष्णुप्रिया हॉल्ट में। हनी भी भाई कुछ नहीं करेगी भाई, काट लेगी ना, फूल जाएगा। अभी हम लोग जाने वाले हैं नौका में। यार बड़ा मजा आएगा नौका में जाने में। बाकी जो ऑटो बैठ के काफी मजा आ रहा है। चालू होगी कैसे जाने देगा। हम लोग पहुंच गए लॉन्च घाट। ये देखो हमारा लॉन्च यहाँ खड़ा है। अभी से हम लॉन्च में जाएंगे और फिर हम मायापुरी पहुंच जाएंगे। बाकी यहाँ पे बहुत टेस्टी से अमरुद भी मिल रही है। उसकी दुकान भी है यार मस्सी। तो ये भैया चटनी वटनी वाला बनाते हैं। बाकी सब जा रहे हैं उसमें। ये रस्सी देखो यार इतनी मोटी है, देखो लोहा का। वुडन का बना हुआ है ये देखो, क्रॉसिंग के लिए वुडन का कुछ बना हुआ है। ये तो टूट गई। तो गाइस अब हम बैठ गए टोटो में और अब हम जा रहे हैं भवन में जहाँ पे हम लोग स्टे करेंगे। अरे 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 अरे। सो गाइस अभी जा रहे हैं हम लोग होटल करने के लिए। तो मेरी बहन आगे आगे भाग रही है, उसको बोलती हूँ आओ, वो आती नहीं है। आपको पता है कैमरा में कितना नाटक करती है आने में। तो चलो चलते हैं और कोई भवन कर लेते रहने के लिए। भवन तो हमें सामने दिखा है। सो गाइज हमें ये वाले भवन में तो खाली मिला नहीं, अब हम दूसरा भवन जा रहे हैं। देखो ये भवन में खाली था नहीं क्योंकि सब लोगों ने बुक कर दिया है। बाकी देखो अब कहाँ मिलता है। आगे आगे चल रहे हैं रूम देखने के लिए, मैं पीछे पीछे। तो बहुत तगड़ी है यार। भगवान करे कि हमें एसी वाला रूम मिल जाए यार, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। सो गाइज अभी मैं अतिथि भवन करके एक है वहाँ पे रूम देखने जा रही हूँ कि कैसा है कैसा नहीं। बाकी यहाँ पे एसी है और चलो देखते रूम कैसे। तो गाइस सब लोग बाहर खड़े होके वेट कर रहे हैं, हम रूम देखने जा रहे हैं। टेंपल भी देख सकते हैं यहाँ पे। बाकी रूम ये है यार, नेट लगा हुआ है, मच्छर ना आए। एसी दो दो लगी हुई है। तो गाइस रूम तो देखो तीन बेड है, बाकी हम लोग आठ लोग हैं। नीचे बेडशीट वेडशीट भैया लगा देंगे, बेड वेड। बाकी यहाँ पे मिरर भी है सही। तो चलो रूम टूर मैं आपको पहले ही दे देती हूँ सबके आने से पहले। देखो बाकी दो एसी मैंने आपको दिखाया, वॉशरूम भी दो है। वो वॉशरूम बंद है, ये वॉशरूम खुला है, साथ में अलमारी भी दी है। ये देखो, लेट मी ओपन दिस। यू काफ़ी ज़्यादा
कंबल अम्बल है एकदम मस्त मोटी से रजाई, ऐसा लग रहा ना जाने कितना ही ज्यादा ठंड है। बाकी भैया एसी ऑन करने के ताकत है। गाइस वॉशरूम भी काफी अच्छी है, बड़ी स्पेस है और यहाँ पे एकदम बेसिन दिया गया है, यहाँ पे मिरर है। आई लव दिस वॉशरूम यार, गीजर भी और चाहिए क्या। स्पेस भी बहुत अच्छी, पूरा कृष्णा जी का टेम्पल दिखता है। बाकी इतनी बड़ी जो छत है ना, मतलब अगर कोई फैमिली आए यहाँ पे रुके तो अपना छत वत में खेल सकते हैं, बच्चे लोग जो भी है तो खेलने की स्पेस भी काफी अच्छी है, जो लोग रहेंगे वही लोग यहाँ पे आराम से खेल सकते हैं। बाकी यार इधर में क्या है, चलो देखते हैं। आई थिंक अच्छा ये भी ऐसी स्पेस दिया गया, यहाँ पे एक नल दिया हुआ है। भैया कह रहे हैं 2500 रुपये रूम का लेंगे, डबल एसी है सब कुछ है, एंड 200 रुपये बेड, अगर आप एक्स्ट्रा बेड लगाते तो 200 रुपये चार्ज पड़ेगा। तो हम लोग को एक बेड लेना होगा बिकॉज हम लोग 8 लोग हैं और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो एक बेड लगेगा क्या, 3 बेड तो है। तो ये आपका रिसेप्शन है यहाँ का, चलो बैठ जाओ। हमारी मामी जी का फ़ोन जो है वो खो गया, लापता मामी जी का फ़ोन खो गया, चलो देखते क्या मिलता कहाँ पे उनका। मिला क्या फ़ोन आपका, मामी जी का फ़ोन खो गया। अरे सब चुप रहो, ये तो बोलती व्लॉग मत बनाओ, बनाना पड़ता है ये सब चीज का यार। बजी कहाँ रहा है यहाँ पे, बैग में सब ढूंढ रहे फोन कहाँ पे है, बैग में देख रहे हैं। तो मेरी बहन भी हमारे बैग में देख रही है फोन मामी जी का, देखो भाभी भी देख रही है फोन मिले कि नहीं मिले। मामी जी नीचे जा रही है फोन ढूंढने के लिए, रख रख के कहाँ कहाँ चली जाती है कुछ। सबको ज्यादा परेशान करना ठीक नहीं, चलो मामी जी का फोन दे देती हूँ यार। तो ये रहा मेरे बैग, ये सबक सिखाने के लिए था ताकि आप अपना फोन कहीं छोड़े ना समझे, ताकि आप फोन करे तो बजे। पीछे से जाना, सुनो पीछे से जाके टॉफी बुआ को चट मार देना ठीक है, टॉफी मासी है मुक्का मार के खुशी हो रहा है, पकड़ ली गया ये तो। पीछे से जाओ, देखो टॉफी बुआ बैठी, देखो टॉफी बुआ बैठी, जाओ धीरे धीरे धीरे। मत करना, पूरा रूम जो है वो साफ हो गया, देखो पूरा क्लीन कर दिया है भैया ने, और साथ में बेडशीट भी पूरी चेंज हो गई है, काफी अच्छी लग रही है। एक और बेडशीट यहाँ पे बिछा दिया भैया ने, बाकी मिरर भी पूरा एकदम क्लीन कर दिया, यहाँ पे मैं रील्स बनाऊंगी अच्छे अच्छे। तो रूम पूरा साफ हो गया, बाकी सब यहाँ पे बाहर पे बैठे, देखो सब लोग बाहर बैठे हैं और मैं जाली से दिखा रही हूँ, पूरा नेट है ये देखो, सब बाहर में पूरा गार्डन बना के बैठ गए हैं। मिला राहत, एसी चल नहीं रही है ना, रिमोट दे, एसी की रिमोट, रिमोट तो यहीं पे दी हुई है ऑन। गाइस ये साइड वाली एसी भी ऑन कर दिया है, चलो देखो एकदम मस्त फोन चला रहा है एकदम, देख रहे हो आजकल बच्चों का ही दिन है। ये भी देखो व्लॉगिंग कर रही, देखो हीरोइन, देखो हेयर बैंड जो लगाई है मामी जी, हीरोइन लग रही है, रेड रेड बाल में अपना बाल को लाल कर ली देखिए, और साथ में हेयर बैंड लगा दी है। और यहाँ पे नाश्ता की तैयारी चल रही है, ट्रेन में तो कोई खाया नहीं क्योंकि 1 घंटे का ही सफर था। एंड इसको गाइज यहाँ पे पानी के लिए भी दिया है, मतलब ये नल ठंडी है, ये वाली गर्म है, फिल्टर विल्टर सब लगा हुआ है, तो ये चीज काफी अच्छा है इस होटल में यार। सो गाइज आप लोग अपना पानी का बॉटल लेके आओ, यहाँ पे फिल्टर में भर लो, आपको बाहर से खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी मिनरल वाटर। तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी कि यहाँ फिल्टर लगा हुआ था क्या। रूम में चले आओ यार, कुमड़ा का पेठा मेरे को भी चाहिए, बहुत टेस्टी लगता है, और मैं ले रही हूँ कुमड़ा का पेठा। मामी जी वाह, कैमरा सब रिकॉर्ड कर ले रहा मामी जी वाह मामी जी। तो गाइस खाना पीना करने के बाद यार एकदम अच्छी तेज सी नींद आ रही थी बिकॉज सुबह जल्दी उठ गई थी मैं यार, तो एक बाबू को मैं अपने पास ले आई, ये उठ गया था ना इसीलिए। अरे बाप रे, मैंने उसे उठा दिया क्या नींद में, बच्चों को उठाना मुझे काफी पसंद है यार, उठा दूं क्या इसे, मैं उठाती हूँ। बाबू 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 ननकी ए चनकी चिंकी पिंकी चिंकी पिंकी। ये तो मेरे पास, अरे उड़ गया देखा, ये मेरे पास सो रहा था, अभी मैंने इनहेलर लिया था, खांसी आ रही थी ना इसीलिए, ओ अंगड़ाई ले रहा है। तो यहाँ पे मेरी बहन सोई है, देखो
यहाँ पे ये सोई है, वहाँ पे मासी सोई है, वहाँ दूसरी मासी सोई है और बाकी सब गए हैं बाहर घूमने। सो गाइस आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन 3 बजे इसका पार्ट 2 व्लॉग आएगा, तो आप लोग बोलो आज ही 3 बजे मैं व्लॉग डाल दूँ पार्ट 2 कि नहीं, तो आप लोग मुझे बताना। बाय बाय।